सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो यार, आजकल चल रही है नवरात्रियाँ, तो आप सभी को नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है ये तो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं अपने नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल अभी तो मैं पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे मंदिर पे ही अनबॉक्सिंग। A few moments later. तो गाइज यार, अभी फिलहाल अपनी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अपना लैपटॉप भी मैं मंदिर में लेके आ चुका हूँ। तो गाइज यार, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो फिलहाल इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वैसे मैंने कल दुकान में खोल लिया था, एक बार ऑफलाइन लेना था, वहाँ पे चेक कर लिया था मैंने। तो देखिए, कुछ ऐसी पैकिंग पे है हमारा लैपटॉप। तो इस साइड है यहाँ पे चार्जर, तो ये है अपना चार्जर 65 वोल्ट का। तो अब फिलहाल करते हैं, अपना लैपटॉप निकालते हैं और देखते हैं कैसा है अपना लैपटॉप। ओ भाई, तो देखो कुछ ऐसी पैकिंग में आया है। तो ये है कुछ यूजर मैनुअल, जो कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं, फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और इसमें से निकालते हैं अब लैपटॉप को। तो भाई देखो, कुछ इतना ऐसा लुक मिल रहा है लैपटॉप का, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी पतला भी है ये। और इस तरफ आपको देख रखा है लेफ्ट में ये चार्जिंग का बोर्ड, और ये है सी टाइप पोर्ट भी दे रखा है, और इसमें HDMI पोर्ट, और ये 3.5 mm का ऑडियो जैक। और इस तरफ दे रखे हैं दो USB पोर्ट, और ये एक है SD कार्ड के लिए। तो बाकी देख सकते हो पीछे का लुक कुछ ऐसा दे रखा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको करते हैं ओपन और आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी डिस्प्ले वगैरह, कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइस यार, चलिए अब लैपटॉप को ओपन करते हैं, एक हाथ से ओपन करते हैं पहले, देखते हैं। तो भाई एक हाथ से भी ओपन हो जा रहा है। तो देखिए, खोलते ही कुछ इस तरह का आपको दिखेगा इंटरफेस। तो गाइस यार, देख सकते हो खोलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है अपना लैपटॉप। तो बाकी इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो इसमें है 16 GB रैम और 512 GB है इसका स्टोर, जो कि SSD पे है। और इसका है प्रोसेसर इंटेल कोर i5 और इंटेल IRX Xe ग्राफिक कार्ड के साथ। बाकी इस पर बैकलेट कीबोर्ड भी है, जो कि देख सकते हैं, देखो ये, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को लगेगा। और इस पर कैमरा है, जो कि ये 720p, और ये भी प्राइवेसी सेटर के साथ। बाकी फिंगरप्रिंट भी है इस पे, यहाँ पे साइड में। तो बाकी यार, मैं इतना कुछ खास का रिव्यू करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा टेक चैनल तो है नहीं। तो यार, बाकी ऑडियो की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे साइड पे दे रखे हैं स्पीकर, और इसका वॉइस भी थोड़ा सा ठीक ठाक है पहले वाले लैपटॉप से मेरे। उसमें तो आवाज़ बहुत कम थी, लेकिन इस पर थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी इसका एक और फ़ायदा ये है कि इस पर जो बैकलिट कीबोर्ड है, देखो इसकी ब्राइटनेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी बंद है, ये भी नॉर्मल, और ये है फुल। तो इससे क्या होगा, नाइट में थोड़ा सा अगर अंधेरे में भी हम करें एडिटिंग वगैरह, जो भी है, जो भी काम करना है, तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा कि रात में हम अच्छे से कीबोर्ड देख सकते हैं। तो बाकी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन है फुल HD IPS, तो इसमें वीडियो क्वालिटी तो अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी यार इतना कुछ है नहीं जो मैं बता सकूँ आपको, मुझे भी ज़्यादा कुछ अभी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बाकी बॉडी की बात करें तो देख सकते हो ऊपर है मेटलिक बॉडी, मेटल से बनी हुई है ये ऊपर का, जो ये वाला ये मेटल है एकदम, और नीचे है प्लास्टिक, जो यहाँ है ना ये प्लास्टिक। और इसका एक एडवांटेज और है, जैसे अभी आप सेट डाउन भी करेंगे तो फ्लिप करते ही ये फ्लिप ऑन सीधे ऑन हो जाता है, बूस्ट ऑन है ना इस पर, जैसे ही आप फ्लिप करेंगे तो वैसे ही अगर सेट डाउन में होगा तो अपने आप ऑन हो जाएगा। बाकी कीबोर्ड भी इसका बहुत अच्छा है, देख सकते हो ये टक टक की जो आवाज़ आती है ना भाई, इससे मज़ा आता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना है, और चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आज का तो कोई ब्लॉग था नहीं, ये तो बस एक ऐसा ही आज अपने लैपटॉप का एक अनबॉक्सिंग वीडियो थी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। I want you and only you.